सत्तरवीं बीपीएससी की तारीख तय हो गई है 17 नवंबर। अब आपके पास गिन चुनकर 60 से 65 दिन है और इस 60 से 65 दिन को आप किस तरह से यूज़ करें, उपयोग करें कि आपका प्रिलिम्स क्लियर हो जाए और साथ में मेंस का भी बेस तैयार हो जाए, इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा। चार काम कीजिए। सबसे पहला काम, अपने पूरे समय को जो आप अब तक पढ़ रहे थे, मान लीजिए यदि आप 8 घंटा पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, 9 घंटा कीजिए। यदि आप 6 घंटा पढ़ रहे थे तो 7 घंटा कीजिए, थोड़ा इंक्रीज कीजिए टाइम को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप चार चीज़ों पर ध्यान देने वाले हैं। साइंस पर ध्यान देने वाले हैं, साइंस का रिविज़न फास्ट करना है। कहाँ से करें, तो अरिहंत का जो एनसीईआरटी का जो एक सार आया है वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम वाला है, उसका निचोर आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने मतलब रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे बिहार स्पेशल को, उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर्स को। बिहार स्पेशल आप जो पहले एक पब्लिकेशन आया करता था विवास पनोरमा, उससे देख सकते हैं, या फिर आप बिहार स्पेशल को देखना चाहें तो नई बुक जो आई है जो इधर हाल में महेश बर्णवाल की, उसको भी देख सकते हैं। और लास्ट बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पीडी से आप 1 ईयर का यदि कलेक्शन कर लेते हैं, और बिहार स्पेशल के लिए बिहार का भी करंट होता है कुछ स्पेशल, तो उसके लिए आप पेपर कटिंग देख सकते हैं, या फिर जो दूसरा कोचिंग है बहुत सारा जहाँ पे अवेलेबल होता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।